गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। 10 वर्षों से लगातार 100% परिणाम के साथ यूट्यूब पर वंदना रावल कक्षा 10वीं और 12वीं आरबीएससी के बोर्ड के विद्यार्थी यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य क्लिक करें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबीएससी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश कंपल्सरी बुक 2 पनोरमा से 10th लेसन गोइंग प्लेसेस। ए आर बार्टन। अबाउट द राइटर, ए आर बार्टन इज मॉडर्न राइटर। ये एक मॉडर्न राइटर थे हु लिव्स इन ज्यूरिख, जो ज्यूरिख में रहते थे एंड राइट्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में लिखते थे। ही हैज़ ऑथर्ड मैनी स्टोरीज, इन्होंने कई स्टोरियाँ लिखी दैट मैनली कंसर्न विद प्रॉब्लम्स एंड प्रीडिकमेंट्स ऑफ एडोलसेंट्स। मतलब ये वयस्क लोगों की समस्याओं को लेकर उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे। और इसमें जो पार्ट है ये हमारा गोइंग टू प्लेसेस, इसमें भी एक एडल्ट लड़की की कहानी है जो अपने सपने देखती है और सपनों को ही हकीकत मानती है। वेन आई लीव, सोफी सेड। सोफी ने कहा कि जब मैं ये स्कूल छोड़ दूंगी, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से घर आ रही थी दोनों सहेलियाँ, आई एम गोइंग टू हैव ब्यूटी, तो मैं एक बुटीक खोलूँगी। जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट, दोनों हाथ पकड़े हुए चल रही थी, और लुक्ड डाउटफुल, तो उसको बड़ा संदेह हुआ। टैक्स मनी सॉफ समथिंग लाइक दैट, तो उसने कहा कि इन सब चीज़ों में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आई विल फाइंड इट, सोफी सेड। सोफी ने कहा हाँ, मैं मैनेज कर लूँगी। स्टार्टिंग फार डाउन द स्ट्रीट, गली में देखते हुए कहा, टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, बुटीक खोलने जितने पैसे इकट्ठे करने के लिए तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। वेल आई विल बी अ मैनेजर देन, तो फिर मैं मैनेजर बन जाऊँगी। यस ऑफकोर्स, टू बिगिन विद, स्टार्टिंग में मैं मैनेजर बन जाऊँगी। टिल वी हैव गॉट इनफ, जब तक हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं हो जाएगा। बट एनी वे आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक, लेकिन ये मुझे पता है कि ये मुझे कैसे करना है। दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्टार्ट ऑफ सो, तो उसने जेंसी ने बोला कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग में कोई इस तरह से मैनेजर भी नहीं बना देगा। आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट, सोफी सेड, तो आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट, मैं मैरी क्वेंट की तरह हूँ, उसने कहा। आई विल बी नेचुरल, मैं एक नेचुरल हूँ। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, और वो उनको पहले से ही पता लग जाएगा कि मैं ऐसी हूँ। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप इन द सिटी एवर सीन, और मैं इस शहर में ऐसी शॉप खोलूँगी जो इस शहर में आज तक किसी ने देखी भी नहीं होगी ऐसी शॉप। जेंसी नोइंग दे वर बोथ एम्बार्क्ड फॉर बिस्किट फैक्ट्री, जेंसी इस बात को जानती थी कि वो दोनों बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए बनी है, क्योंकि उनके पेरेंट्स वहीं काम करते थे। बिकेम मेलंकली, शी विश्ड सोफी वुडंट से दीज थिंग्स, वो ऐसा सोचती थी कि सोफी ऐसी चीजें बातें करे ही ना। वेन दे रीच्ड सोफी स्ट्रीट, जेंसी सेड, जब वो सोफी की गली में पहुंचे, जेंसी ने कहा, इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ, कि अभी कुछ महीनों की बात है सोफ, यू रियली शुड बी सेंसिबल, तो तुम्हें थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, उन्हें शॉप वर्क में जो बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ से अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं। यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, और तुम्हारे पिताजी तुम्हें इन सब कामों के लिए अलाउ भी नहीं करेंगे। और एन एक्ट्रेस, या फिर मैं एक अभिनेत्री, नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट, उसमें बहुत पैसा है। यस एंड आई कुड मे बी, और मैं वो बन भी सकती हूँ। हैव द बुटीक ऑन द साइड, और साइड में एक ब्यूटीक भी चलाऊंगी और अभिनेत्री भी रहूंगी। एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम, क्योंकि एक्ट्रेस के पास फुल टाइम वर्क नहीं होता, डू दे, क्या उनके पास होता है। एनीवे दैट और अ फैशन डिजाइनर, या फिर मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। यू नो समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड, ये भी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है। एंड शी टर्नड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर, लीविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन, जेंसी बारिश में खड़ी रही और सोफी दरवाजा खोलकर अपने घर के अंदर चली गई। इफ एवर आई कम इन टू मनी, अगर कभी मेरे पास पैसे आए, आई विल बाई अ बुटीक, तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी। हु, इफ यू एवर कम इन टू मनी, अगर कभी तुम्हारे पास पैसे आए तो, इफ यू एवर कम इन टू मनी, यू विल बाई अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, अगर तुम्हारे पास पैसे आए तो तुम हमारे लिए एक अच्छा सा रहने का घर खरीदना। थैंक यू वेरी मच, और तुम्हारा बहुत धन्यवाद होगा।
सोफी'स फादर वॉज कूपिंग शेफर्ड पाई, सोफी के पिताजी पाई शेफर्ड्स पाई इन टू हिज माउथ, अपने मुंह में खा रहे थे, एज हार्ड एज ही कुड गो, ठूस ठूस के खा रहे थे, हिज प्लम्प फेस स्टिल ग्रीमी, उनका मोटा सा चेहरा अभी भी ग्रीमी था, स्वीट मार्क फ्रॉम डे द डे, जो पसीने में वो काम करके आए थे फैक्ट्री में से, इससे, शी थिंक मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, डजंट शी डेड सेड लिटिल डेरेक, डेरेक ने कहा, उसका छोटा भाई था, तो वो कहता है कि पिताजी ये ऐसा सोचती है कि पेड़ पैसे तो पेड़ पे आते हैं, हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, वो अपने पिता के पीछे चेयर पर झूलता हुआ ये बात कहता है, देयर मदर साइड, तो उसकी माँ ने आह भरी, सोफी वॉश्ड हर बैग स्टोव्ड ओवर सिंक, उसने देखा कि वो सिंक पर बर्तन साफ कर रही थी, वंडर्ड एट इग्नोक्यूटी डेलिकेट बो विच फास्टर्ड हर एप्रन स्ट्रिंग, जिसके पीछे एप्रन स्ट्रिंग खुली हुई थी, डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रूक्ड बैग, और बैग झुकी हुई थी, द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड द विंडोज, शाम बहुत अंधेरी हो रही थी, एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी, और रूम में भाप भरी हुई थी, फ्रॉम द स्टोव क्लचर्ड विद द हैवी ब्रीथिंग मैन इन इट्स वेस्ट, और हैवी ब्रीथिंग मैन जो उसके पिताजी बहुत हैवी थे वो बनियान में बैठे थे एट द टेबल, एंड डर्टी वॉशिंग पाइल्ड इन द कॉर्नर, और कॉर्नर में गंदे बर्तन पड़े हुए थे, सोफी फेल्ट टाइटनिंग इन हर थॉट, सोफी अपने गले में थोड़ा टाइट फील करती है, ही वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ, वो अपने ब्रदर जियोफ के पास गई, ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर, वो घुटनों के बल बैठ के नेक्स्ट रूम टिंकरिंग विद द पार्ट्स ऑफ मोटरसाइकिल, वो अपने मोटरसाइकिल के पार्ट्स खोल के बैठा था, ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट, एक न्यूज़पेपर बिछा रखा था कारपेट पर, और उस पर ही वॉज 3 ईयर्स आउट ऑफ स्कूल, 3 साल उसे स्कूल छोड़े हो गया था, एंड अप्रेंटिस मैकेनिक, और वो एक मैकेनिक काम करने वाला सीख रहा था, ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, और वो ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे, अपने काम से वो दूर दूर तक शहर में जाता था काम के लिए, मैकेनिक के लिए, ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, वो लगभग अब बड़ा हो गया था, एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ, और वो उसके सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग, जिनके बारे में उसे कुछ पता नहीं था, सॉफ्ट को अबाउट विच ही नेवर स्पोक, और उसने भी कभी इस बारे में बताया नहीं था, क्यों ही सेड अ लिटिल एट ऑल, क्योंकि वो बहुत कम बोलता था एवर वॉलेंटरीली अपने मन से, तो वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन आउट ऑफ द ग्राउंड, जैसे जमीन से पत्थर निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे उसके मुंह से शब्द निकालने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती थी, एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और वो उसकी साइलेंस से बहुत जेलस थी, व्हेन ही वाजंट स्पीकिंग इट, जब वो बोलता नहीं था, ही एज वॉज दो ही वॉज अवे समवेयर, तो वो कहीं और होता था, आउट देयर इन द वर्ल्ड इन दोज प्लेसेस, संसार में उन जगह पर, शी हैड नेवर बीन, जहाँ पे वो कभी नहीं गई थी, वेदर देवर ओनली आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिटी, चाहे वो शहर के दूरस्थ स्थान ही क्यों नहीं हो, और प्लेसेस बियॉन्ड द सराउंडिंग कंट्री, या फिर हमारे देश के आसपास के इलाकों, हु न्यू, कौन जानता है कि वो कहाँ जाता था, दे अटेंड अ स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर, क्योंकि वो ये सब चीज़ों से वो अनजान थी, एंड रिमेंड आउट ऑफ हर रीच, और ये सब चीज़ें उसकी रीच के बाहर थी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, इसी के साथ आज हमारा लेसन यही था, थैंक्स।